रेफ करके देखो मामी, ये देखो। और वाह, ये चीज बढ़िया लगी यार, धन्यवाद यार। 5 लाख का बिल बैठा है भाई। आ गया गाइस नाश्ता, दूध। आज से भाई हमने वापस दूध पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से ना मतलब चाय हो रही थी। मैंने कहा भाई कैल्शियम चाहिए बॉडी में थोड़ा, तो एक ग्लास दूध तो पियेंगे बॉर्नविटा के साथ और विद सम कुकीज़, वो जो मैं कल लेके आया था, कल या परसों, हाँ कल ही लेके आया था बैंगलोर से, विद नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं। और आज का सीन है ऐसा कि भाई सुबह सुबह ना अभी सो भाई आज क्या हुआ, सुबह सुबह ही अभी ड्राइवर मतलब महेंद्र भी आया, बोले कि भाई क्रेटा की बैटरी गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या उसके बाद फिर कार्ड वार्ड लेके आया, फिर पता चला कि भाई उसकी बैटरी 2 साल हो गए, एमरॉन की डली हुई थी कोई, तो फिर वो बैटरी वाला बुलवाया, अभी वो चेंज ही कर रहा होगा नीचे। मैं कहा मैं आता हूँ, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ, उसने चेंज कर ली होगी शायद अभी तक तो। और इसके बाद हम सीधा एक और चीज़ जो हमें लेनी है, इतने टाइम से हमारे पास है ही नहीं, जाएंगे ऑडी, वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे, पहले रोड टेस्ट करेंगे कि भाई गाड़ी ओके हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि बहुत टाइम से खड़ी है वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके, वो भी आपको वहाँ जाके बताएंगे। पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं भाई वापस से अपनी। बड़े दिनों बाद हो गई इसकी। अरे ये क्या कर दिया ये यहाँ पे, अब यहाँ से जा नहीं सकते? अच्छा, मैं कहा ये यहाँ पे क्या कर दिया यहाँ। अच्छा काम हो रहा है क्या इसका? अच्छा वो कोई नई गाड़ी लेके आया क्या जिमनी? सो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, अपनी गाड़ी देखते हैं भाई कहाँ है खड़ी। तो गर्मी इतनी हो रही है ना भाई, गर्मी। अच्छा मर्सिडीज मेबैक भी खड़ी है क्या भाई ऑडी में? ये 8L आज बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। Q8, ये A6, अपनी गाड़ी कहाँ है देखने अभी। ये भी भाई, ये तो बैठ रखी है, W12 इंजन है भाई इसका तो। ये थी भाई पुराने टाइम की गाड़ियाँ, अब कहाँ गाड़ियाँ आ रही है। ये है भाई तगड़ी चीज़, लेकिन भाई होता है मेरे को समझ में आ रहा है इसमें एग्जॉस्ट का नोट होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक है ये, E-Tron एक नंबर, कलर भी एक नंबर लग रहा है, गाड़ी तो है ही भाई अपनी। और गाड़ियाँ देखते भाई, यहाँ तो गाड़ी ऐसे खड़ी है जैसे ख़त्म ही पड़ी है, नई वाली ऐसी अपनी गाड़ी आ रहा है देखे। Q7 भाई बहुत गंदी हालत हो रखी है गाड़ी की यार। एक और Q7, ओ भाई साहब इसका सिस्टम आउट हो रखा है भाई। कमेंट करके बताओ ये गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी या ये गाड़ी ठीक होगी। कौन सी है? Q7 ही है मेरे हिसाब से, टोटल लॉस में ही जाएगी भाई ये गाड़ी, इसका सिस्टम ही आउट हो लिया पूरा। बहुत बुरी हालत हो रखी है ये भी, इसका भी आउट हो रखा है भाई, ये भी एक्सीडेंटल ही लग रही है। हमारी गाड़ी कहाँ है भाई? ये गाड़ी पसंद आई थी मेरे को, ये देखो भाई S5, लेकिन ये हो चुकी है सेल आउट। लेकिन कोई नहीं भाई, देखते हैं। बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया उसमें हुई थी, प्राइस में निकली है ये गाड़ी। अब देखते हैं, 2020 मॉडल है यार, फ्रेमलेस डोर्स के साथ भाई, क्या गाड़ी। चाबी नहीं है क्या? चला लेता, स्टार्ट कर लेता, नहीं तो कितने किलोमीटर चली है भाई ये? 17,000 ही चली है, कोई चल गई मतलब यार। 2 साल RS5 बढ़िया, और पीछे भाई सीटिंग ठीक है बढ़िया, लेकिन है तो भाई सिस्टम क्वाट्रो, मज़ा आ गया। अरे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होती हो तो वो है, चाबी इसी के अंदर है इसकी भाई साहब। रेव करके देखो अभी, ये देखो। और क्रेजी भाई, मौज बांधी, मजाक सट के यार। ओके ड्राइव करूँगा या रहन दूँ, आगे चले जाएगी यार ना, कोई नहीं क्यों ही वो करूँ। एकदम कम फ्यूल है लेकिन भाई
अभी चलो गाइस, अब आपको इसका बूट स्पेस दिखा दें, थोड़ा वॉक अराउंड ही दे देते हैं। ये देखो भाई साहब, एक बंदा बैठ जाए, दो बंदे बैठ जाए यहाँ पे अंदर, इतना तगड़ा बूट स्पेस है। इसको करते हैं बंद। लो बढ़िया है भाई, मजाक सेट गया। अभी ना इसको वापस ढंग से रेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एरिया है ना पूरा, मतलब बंद बंद सा है, तो धुआं धुआं हो गया था पूरा। अभी भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा, मेरे को स्मेल भी आ रही है अभी। इन कोई नहीं भाई, बढ़िया चीज़ थी निकल गई। तो अगर नहीं होती तो भाई क्या पता इसकी बात करें, क्योंकि आजकल भाई यार का मन हो रहा है कि नई गाड़ी को स्पोर्ट्स कार लेने का मन कर रहा है। लेकिन देखो अभी थोड़ी आप तरक्की दो यूट्यूब पे, तो हम बात करते हैं घर पे, क्या होता है ऐसे टाइप की कोई गाड़ी ले आए इन फ्यूचर। फाइनली आ गई हमारी गाड़ी, मैं चलाऊंगा ना। अभी देखते हैं भाई क्या ठीक क्या क्या नहीं। महीने बाद बैठ रहा हूँ भाई, एक महीने बाद इसके अंदर। चलो हाँ, अब नहीं हो रहा, पहले टच हो रही थी, मतलब पहले आवाज आ रही थी, पता नहीं टच हो रही आवाज आ रही क्या, लेकिन अब ठीक है। यहाँ से यूटर्न ले लूँ क्या? अच्छा ठीक है, चलो फोन बंद कर देते हैं। सो गाइज, अब हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर टेस्ट करते हैं। खाली रोड है अभी, हमने इसलिए दी थी कि आवाज़ आ रही थी फालतू की और इरिटेट कर रही थी, और शॉकर भी चेंज हुआ गाड़ी के अभी। तो अभी इसको एक्सेलरेट करते हैं। ये देखो, ये आवाज़ तो नीचे यार उसकी आ रही है रबर की मैट की, लेकिन कोई आवाज़ है नहीं वैसे। ये देखो पूरी, मतलब सही हो गई। अब यहाँ से हम्प में भी आपको चेक करवा दो, सीधी निकाल दो ना इसको, देखता हूँ सीधा, देखता हूँ टच हो रही है नहीं हो रही। हाँ, अब एयर सस्पेंशन, ये देखो ये वापस नीचे हो गया क्या, ये ऑटोमेटिकली ये था, ये देखो ना ऑटो पे। अच्छा ऑटो पे इसलिए हुआ है क्या ये? अच्छा ठीक है, मैं वही सोच रहा है। वो भी ना कि हिमाचल गए थे, वहाँ रोड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है थोड़ी, तो वो ऊपर रेस किए जा रहे हो, खुद नीचे हो रही है, ऑटोमेटिक की वजह से हो रहा होगा शायद। इसको डायनेमिक में करके रेस करूँ, अब तो ठीक है ना, डायनेमिक में ऊपर रेस करता हूँ, अब तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। डायनेमिक नहीं सॉरी इंडिविजुअल में करता हूँ ना, डायनेमिक तो स्पोर्ट्स मोड हो गया। रेस, चलो रेस करते हैं ऐसे। ये इसका कुछ हो सकता है क्या, थोड़ा ठीक करवा दो, थोड़ा नीट करवा दो कुछ। पेंट फट गया है सर। हाँ पेंट निकल गया, पेंट तो कुछ इसको पॉलिश रबिंग करवा दो कुछ। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, हाँ ये आपका वैसा का वैसा रहेगा, कोई फायदा। ये सब सेम ही है, पेंट निकल चुका ना, तो ये इसका पूरा यहाँ से पेंट होगा वापस यार। अभी तो ये यही हुआ था ना पीस पेंट मेरे हिसाब से। ये क्या यहाँ पूरा किया था? ये यहाँ तक पूरा ठीक है। सूत्रों के मुताबिक भाई अभी पता चला है हमें कि ये जितनी भी गाड़ी है भाई देख रहे हो, ये 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये ओ भाई इसका नंबर क्या है, मेरा 0001 है। ये सारी भाई टोटल लॉस की गाड़ी है, ये ठीक होने के लायक आज की नहीं है शायद। ये भी नहीं, ये तो ठीक है भाई, ये भी टोटल लॉस। और अभी हमारी गाड़ी कहाँ है, यही है शायद हमारी गाड़ी, नहीं ये नहीं है भाई, ये तो A4 है। हमारी गाड़ी ढूंढते हैं, हमारी गाड़ी कहाँ पे है भाई। गर्मी हो रही बहुत तगड़ी, ये तो वाइट कलर की है भाई। वॉशिंग कौन होती है गाड़ी की भाई? एक और चीज़ बता दूँ तुम लोगों की, ये हो गया आपका पूरा ऑडी का ठीक है, इस साइड आपका फोर्ड और वोल्वो का है सर्विस सेंटर। देख सकते हो वोल्वो की गाड़ी खड़ी है, फोर्ड की एंडेवर खड़ी है, नेक्स्ट आगे खड़ी है समझ नहीं आया, लेकिन इस साइड ये हो गया डिवाइड किया हुआ है। और आपको थोड़ा अभी नीचे जाके दिखाते हैं ये नीचे क्या सिस्टम है इनका, वॉक अराउंड दे रहा हूँ भाई मैं आपको ऑडी सर्विस सेंटर का। यहाँ कौन सी गाड़ियाँ हैं, ये सारी भाई खड़ी है देखो, इनका बेसमेंट रहा Q5, Q7, नई वाले Q7, Q8,
Q7 ज़्यादा Q7 Q5 दिख रही है मेरे को यहाँ पे भाई। Q7 बिकी है ऐसा लगता नहीं है, वैसे रोड पे देख के बिकी नहीं होगी। ये रही भाई हमारी गाड़ी, ले भाई आज निकल जाएगा आराम से, कोई ऐसी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए वैसे पूरी इसको। इसको पूरा एकदम साफ करके ना एकदम नीट कर देना भाई। एक बात बताओ, वो पेंट वेंट कौन करता है तुम में से यहाँ पे? कोई पेंट का कोई काम नहीं है किसी का? नहीं है क्या ये हल्का सा ये लग गई थी? अरे अरे वो तो कह रहा है कि पेंट निकला हुआ है, इसका पेंट निकला हुआ है क्या? या अभी पेंट करवाया भाई, अभी पता नहीं कौन करके चले गया, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले पेंट हो गई थी, पूरा ये पेंट हो गया था। ये लोग सोच रहे थे ऊपर से कपड़ा कपड़ा मार देंगे, वो तो अच्छा हो भाई चले गया मैं, नहीं तो ऊपर से ही कपड़ा मार दे पता भी नहीं चलता वॉश हुई नहीं हुई। इनका कहना है भाई गाड़ी पूरी रेडी थी। अरे भाई ये इसका फ़ोन छूट गया, कोई नहीं। तो मैंने कहा नहीं भाई पूरी इसको वॉश कर ढंग से और उसके बाद ही लेके जाऊँगा, यहाँ पे कर देते हैं ठीक है। वाह ये चीज़ बढ़िया लगी यार मेरे को, धन्यवाद यार भाई। मैंने कहा फ़ोन तो चार्ज कर ली मैंने अंदर से, अभी बिल विल की बात हो रही है भाई, 1,32,000 का कुछ बिल बैठे, सिर्फ शॉकर शॉकर चेंज हुए हैं। इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बोली थी, इन्होंने कम से कम लगा लो ना ना करके 5 लाख का बिल बैठाया भाई, 5 लाख का, 4.5-5 लाख का ऐसे कुछ करके। लेकिन फिर हमने जो नेसेसिटी लगी, क्योंकि भाई 1.5-2 साल रह रहे हैं गाड़ी के, तो कोई इतना मतलब है नहीं वो चीज़ करो कॉस्मेटिक मार्कर, जो चलने में दिक्कत आ रही है वही चीज़ तो ठीक कर, वो बढ़िया है। तो उसमें शॉकर उसने चेंज किए, ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क शायद नेक्स्ट सर्विस में कर देंगे, अभी चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसी के इन्होंने इतने कर दिए, अब डिस्काउंट की बात चल रही है क्या है। मैंने कहा भाई जब तक तू कॉफ़ी ले, और ये कॉफ़ी तो भाई एक नंबर की है इनकी, मजाक से हट के ये चीज़ पसंद आई मेरे को, विद डाइजेस्टिव बिस्किट अभी खाते हैं सच, और फिर बिल का देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस 6:18 एंड फाइनली हमारी गाड़ी का काम हो गया है, कितना डिस्काउंट मैक्स करवा सकते थे करवा दिया, लेकिन आप लोगों के लिए 1,30,000 ही भाई समझ लो डिस्काउंट, पर्सनली हमारे लिए होता है पब्लिक को तो भाई 1,30,000 ही बोलेंगे। और सामने देखो भाई, ये देखो ये भाई, मतलब मेहमत गाड़ी नहीं होती जो सेडान में, मतलब अलग ही लग रही है इलेक्ट्रिक है BMW की, क्रेजी गाड़ी भाई क्रेजी। अब यहाँ से निकलो साथ में फ़ोटो भी तो लूँगा एक और ये एस क्लास भी, बट पता नहीं BMW ऑडी में क्या कर रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। ठीक है जैसे X D Drive 60 i7। सो गाइस आज यार नहाया ही नहीं, आज रियलाइज़ किया, अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कितने 8:50 हो गई भाई, नहाया ही नहीं हूँ मैं। क्यों आपको बोला था ना जब फ़ोन डेड होने वाला है, तो फ़ोन डेड हुआ उसके थोड़ी देर वहीं पर ही चार्ज कर लेगी भाई, कम से कम लगा लो आज 5 घंटे लग गए मेरे को ऑडियो में, क्योंकि 1 घंटा बिलिंग प्रॉब्लम हो गई, कुछ वो पेमेंट नहीं हो रही थी, 1 घंटा रोड टेस्ट में लग गया, 1 घंटा वॉशिंग में लग गया, और आधा 1 घंटा थोड़े डिस्काउंट की बात करने लग गया, मतलब ऐसे ऐसे ही टाइम निकल गया। लेकिन ठीक है भाई गाड़ी हो चुकी हमारी परफेक्टली फाइन ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, एकदम नई की नई चकाचक हो गई है। और क्या कह रहा था भाई मैं, बोल हाँ आज जिम भी नहीं जा पाया भाई मैं, क्योंकि आया ही मैं कितने बजे आया घर, 6 बजे तक आया हूँ घर में, हाँ 6 बजे घर आया, उसके डॉलर को ले, डॉलर ये ले, मैं इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, बड़े दिनों में आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाए ले खा ले 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 दूँ तेरे को दूँ आ जाओ ना। अभी को समझ में आ रहा है कि मैं बस वीडियो के लिए कर रहा हूँ, तो ये ले आ जाओ, हाँ हाँ बस हो गया, नहीं नहीं यहाँ 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 कहाँ यहाँ
वेरी गुड वेरी गुड। नीचे मुंह क्यों कर रहा है? कल इसको नहलाने में लेके जाएंगे। और भाई कुछ ऐसा ही था भाई आज का व्लॉग। पसंद आया तो कर दो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। कुछ नया चाहिए तो वो भी बता दो भाई, कमेंट करो आप और पूरा वीडियो देखा करो। मैं देख रहा हूँ एवरेज ड्यूरेशन अगर मेरी वीडियो 15 मिनट की, तो आप 3 मिनट में हटा, फास्ट फॉरवर्ड मत किया करो, पूरा ढंग से देखो। बहुत मेहनत लग रही है और ये व्लॉग भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि 2-3 व्लॉग आगे पीछे हो गए, लेकिन डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं आ रहे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस कर लो, और इंस्टा भी नहीं किया तो कर लो। किसी व्लॉग मिलता हूँ।